इंडियन क्रिकेट बोर्ड, तुम ये कैसा टीम सेलेक्ट किया रहे बांग्लादेश के लिए? वहाँ जाके का क्रिकेट खेलोगे या गुल्ली डंडा खेलोगे? हाँ, कैसा टीम सेलेक्ट किया? श्रेयस आयर को ले लिया भैया बैट्समैन, वाह भैया वाह। विराट कोहली को ले लिए, ऋषभ पंत को कीपर ले लिए और बोला बैट्समैन बहुत अच्छा है। हैं, सूर्य कुमार यादव क्या बैट्समैन नहीं है? वो क्या खेलता है? वो क्या गली के अंदर कंचा खेलता है? हैं, वो का फुटबॉल टीम का खिलाड़ी है? उसका का बैटिंग वैटिंग नहीं आता है? उसका चौका नहीं मारना आता है? छक्का मारना नहीं आता है? छक्का खाली विराट कोहली को मारना आता है या रोहित शर्मा को मारना आता है या केएल राहुल को चौका और छक्का दोनों मिला के मारना आता है? शर्म करो भैया बीसीसीआई वालों, तुम लोगों ने जिस तरह का टीम सेलेक्ट किया, हमका भैया बहुत गुस्सा आ गया पाकिस्तान से, इसी वजह से हम वीडियो बनाने के लिए आ गए। सूर्य कुमार यादव को नहीं लिया? देख यार, ये को बात है, इतना अच्छा प्लेयर एक के बाद एक 50 मार रहा है। अरे भैया, दो दो सेंचुरियां मार दिया 49 मैच के अंदर T20 के, उसको नहीं लेके गए? केएल राहुल को वाइस कैप्टन बना दिया भैया, रोहित शर्मा को दोबारा कैप्टन बना दिया और विराट कोहली को भी ले लिया है, ऋषभ पंत को भी ले लिया, ईशान किशन को भी ले लिया, श्रेयस अय्यर को भी ले लिया, बोला ये सब बहुत अच्छे हैं भैया। सूर्य कुमार यादव अच्छा नहीं है, उसका बैटिंग सही नहीं है, वो जो फिफ्टियाँ मारे जा रहा है इससे हमारा बेइज्जती हो रहा है, कंट्री का, इंडिया का नाम बदनाम हो रहा है। इतनी फिफ्टियाँ काहे मार रहे हैं भैया? सेंचुरी भी मार दिया है अभी पिछले मैच में। इस तरह की घटिया सोच रखने वाले इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने हमारे पसंदीदा, हमारे फेवरेट, हमारे क्लासिकल किस्म के बैट्समैन सूर्य कुमार यादव को बांग्लादेश के टूर पे ना ले जाने का फैसला किया। अरे भैया, हमें बहुत ज़्यादा दुख हो गया, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जब तक टीम वहाँ पे खड़ा होता है ना भैया, दूसरी टीम वालों की पतलून गीली रहती है, बॉलर जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, अभी छक्का आया, अभी चौका आया, इस तरह की सिचुएशन होती है। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने सूर्य कुमार यादव को बांग्लादेश के टूर पे लिया ही नहीं, बोला भैया इसकी ज़रूरत ही नहीं है, केएल राहुल बहुत अच्छा है भैया, जल्दी आउट तो हो जाता है, कम से कम दूसरे बंदे की बैटिंग तो आ जाती है, हैं, श्रेयस अय्यर कम से कम जल्दी आउट हो जाता है, एक तो चौका वक्का मार के दूसरे को चांस दे देता है, विराट कोहली भी कभी कभार 50 मार देता है, वह ज़्यादातर जो है वो दूसरे को बैटिंग देने का चांस देता है, रोहित शर्मा भी बिल्कुल ऐसा ही करता है भैया, इसी वजह से तो कैप्टन बनाए हैं। हाँ भैया, ये तो 50 मारे है, अच्छा स्कोर करे है, मानते हैं बहुत अच्छा स्कोर करे है, मगर कभी कभी दूसरों को चांस भी दे है, मतलब सिगरेट जलाने वाला काम ये सब मिलकर साले करते हैं भैया। सूर्य कुमार यादव खाले अकेला नौजवान, अकेला क्लासिकल किस्म का बैट्समैन खड़ा रहता है टीम पे, सारे आ रहे हैं जा रहे हैं, साला पीछे सिगरेट जलाया होता है, मालूम है दोस्तों। सूर्य कुमार यादव के साथ ये अन्याय है, उसको बांग्लादेश के टूर पे ले जाना चाहिए था, ताकि बांग्लादेश वालों को पता चलता कि क्रिकेट क्या होती है भैया, छक्का कैसा लगता है भैया, राइट लेफ्ट और पीछे छक्का कैसा लगता है भैया, चौका कैसा लगता है, ये बांग्लादेश वालों को पता चलना चाहिए था, मगर बीसीसीआई वालों ने ये होने नहीं दिया। दोस्तों, आप लोगों ने सूर्य कुमार यादव को इंसाफ दिलाना है, आवाज़ उठाना है कि भैया इसको टीम में शामिल करो और बांग्लादेश लेके जाओ, ओडीआई सीरीज है भैया, ये कोई कंचा मंचा का गेम नहीं है, कोई फुटबॉल का गेम नहीं है, क्रिकेट का गेम है भैया, इसमें सूर्य कुमार यादव नहीं तो समझो क्रिकेट नहीं भैया।